गत रविवार को जम्मू के कच्ची छावनी क्षेत्र में आधी रात को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला सालों पुरानी एक दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इसी के चलते आज यूथ कांग्रेस ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। यूथ कांग्रेस ने अपने विरोध प्रदर्शन में ऐसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स को सरासर नगर निगम की तानाशाही बताया। जैसा कि आज हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के बाहर रखा गया था, जिसकी भनक एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को लगी, जिसके कारण आज सुबह 6 बजे से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु चीफ जी, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ। सुबह 6 बजे से हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद यही था, जो अभी कुछ दिन पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दुकानें गिराई गई, सरासर गलत किया गया, उन्होंने इलीगल किया गया। अगर कुछ उनके पास उनको पहले नोटिस दिया जाता, उनके पास ऑलरेडी स्टे के आर्डर थे। जब आप दिन को गए तो उन्होंने स्टे के आर्डर दिखाए और वापस पुलिस भी आ गई और सारे लोग वापस चले गए। रात को 11 बजे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी और पुलिस के लोग जाके उनका दुकान गिराया और उसके अंदर उनका पूरा नुकसान किया गया और फैमिली के साथ बदसलूकी की गई, जिसकी कड़ी निंदा करती है। एक तरफ से होम मिनिस्ट्री के आर्डर हैं, डीएम के आर्डर हैं, रात 9 बजे के बाद जो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उनके लिए कोई रूल नहीं है क्या? सिर्फ आम जनता के लिए रूल है, क्योंकि इसलिए जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपलिटी को जता के मेजोरिटी नहीं दी कि जम्मू के साथ गलत करो। और कहाँ पे मेयर है? सोए हुए मेयर है और सरासर जम्मू के साथ गलत हो रहा है, उसकी पूरी जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस निंदा करती है।